दानापुर नारी गुंजन के द्वारा महादलित समुदाय के छात्राओं के लिए संचालित प्रेरणा छात्रावास का 18वां स्थापना दिवस सोमवार को लाल कोठी में मनाया गया। राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में स्थित प्रेरणा छात्रावास के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महादलित विकास मिशन के निदेशक गौतम पासवान, मंथन के फादर निशांत, कर्नल ए के सिन्हा, आईटीआई के प्राचार्य आनंद और पद्मश्री सुधा वर्गीज ने संयुक्त रूप से किया। पद्मश्री वर्गीज ने बताया कि मुसहर समुदाय के लिए नारी गुंजन द्वारा समर्पित भाव से किए जा रहे अथक प्रयास के बाद राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा 2006 में प्रेरणा छात्रावास शुरू किया गया। कभी नहीं लगा क्योंकि मैं इन लोगों के लिए मेरा जीवन, मेरा प्यार, सब कुछ लोगों के लिए, तो कोई किसी तरह का दिक्कत से हम हटते नहीं ना, मैं एक भी पुलिस से हम डरते नहीं हमको, क्योंकि मैं कोई काम अपने लिए नहीं करती, मैं मेरी जनता का हक अधिकार न्याय के लिए लड़ती। तो इधर जो केस हुआ फुलवारी शरीफ में, मैं उसका पूरा केस में मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं कम से कम 4 बार गए हैं गाँव में, 5 बार गए हैं अस्पताल में, और उनकी माँ से मेरी बात करती है रोज। 2010 से बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा प्रेरणा छात्रावास को विशेष विद्यालय सह छात्रावास योजना के तहत सहयोग दिया जा रहा है। विशेष विद्यालय सह प्रेरणा छात्रावास में पढ़ने वाली छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम, योगा डांस, मार्शल आर्ट, इसे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। कार्यक्रम में फादर निशांत, कर्नल ए शून्य के शून्य सिन्हा, SSB समादेष्टा सुवर्णा, विजय प्रकाश, विकास चंद्रा, आनंद आदि शामिल हुए। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।